soul attack, is it? ठीक बात ना है, अब हम बाढ़क नहीं रहे। अरे रोज रोज कहाँ यार, एक हफ्ता हो लिया। तू भी ना राड करवाएगा। अरे घने नगरी मत ही दिखावे, मैं भी ना एक दो तीन बोलूंगा। और शुरू, एक दो तीन। मोटे लाला पिल्ले सिठानी, आप तो दुकान को देखिए, मैं इन बदमाशों से निपट जाऊं। और क्या खींचने की जगह कर, सिर फूटने का पटा पे, और कान नहीं छोड़ने का। जोर से हाथ मार, केलू गायक तेरे हाथ चला रहा है। जी भाईजान। लो देखो, आज फिर फ्री में ड्रामा। भाईजान बताना मत, लाला आ रहा है, बड़ा लाल पीला हो रहा है। रखे हो गया लाला, यू कहां सवेरी सवेर लठ लेके निकल पड़ा। रे भाई तेरे हाथ में तराजू अच्छा लग गया, यो लठना। नहीं इलियास, आज लाठी चलेंगे कटा कट, आज सिर फुटेंगे फटाफट। अरे किसके सिर फुटेंगे लाला? इलियास के भांजे चमन के, अर्ज के साथियों के, मेरा जीना हराम कर दिया। इलियास कहां है तेरा भांजा चमन? रे बैठ जा लाला, बच्चे से है, माफ कर दे। ना ना, बिल्कुल माफ नहीं करने का, बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, आप उनकी पुड़िया हैं ये तो। रे बैठ भी, गुस्सा थूक दे, बैठ जा। एक बात बता, चमन मेरा भांजा से है तो तेरा भी भांजा होया कि ना होया, हैं?
ये मामा गेल्या मजाक नहीं करेगा तो किस गेल्या करेगा भाई। पर वो कभी मामा कहे भी तो रोज दुकान के सामने आके अल्लाह मचावे और मोटे लाला पिलपिले बहू को लेके गिर पड़े। बता कभी उसने देखा मुझे छिछानी के साथ गिरते हुए? अरे चमन क्या बदमाशी है यहाँ पूरा। अरे बदमाश क्यों तंग करे लाला ने है? मोटे लाला पिलपिले मामा ना कह सकता? चल बोल मामा। और मामा बोल लगा आज तो मीठी गोली मिलेगी। मामा मुंशी राम, पर मामा मुंशी राम अब मैं बालक नहीं रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कब तक मिठी गोली खिलाओगे? अरे मामा बोल लग रहा तो लाला जी शहर तक चॉकलेट ला कर दे करेंगे। हाँ। क्यों लाला जी? हाँ चॉकलेट तो मैं ला दूंगा, पर यू मामा क्या है तुझे? अच्छा भैया मैं चलूं? रही भाई गया है तो रुक, कुछ खा पी के जा। नूर कड़े और वैसे भी लाला भाणजे जो है ममाने में शरारती हो ही जावे। पर एक बात पूछू भाई, कदे मैं और प्रधान जी थारी दुकान के सामने तक लिखना है और फिर बोले लाला पिपले बहू को लेके गिर पड़े। फिर एक बात होगी, फिर भी मैं वही कहूंगा, लाठी चलेंगे कटाकट, हर दोनों के सिर फोड़ दूंगा फटाफट। और भाभी ये लड्डू किस खुशी में? हैदर की बहू का लड़का हुआ है ना। अरे वाह यह तो बहुत बढ़िया बात है। अरे लाला दादा बन गया तू, मैं दादा और अपना हैदर बन गया बाप। लो प्रधान जी खाओ। ना 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 मैं ना 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 बिल्कुल नहीं, संभाल के जाइए बेटा जी। अब थोड़ा बस 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 खाले को और खाले लाला खाले खाले खाले। सरोज आ रही हूँ। रोज तेरी वजह से लेट हो जाऊं हूँ। मेरे भैया को चढ़ा के भाग जावे है और भैया तेरे पीछे भाग जावे है। ओह सारा का सारा काम ठप हो जावे। मामा सह मेरा रोज छेड़ूंगा तू रोक लेगी? तुझे तो मैं ही ठीक करूंगी। चल बनिए की बेटी की तो सांस फूल गई। सरोज और तेरा दूल्हा भी तेरी तरह फिसड्डी लिखड़ा फिर? अरे बनिया का बेटा होएगा ऐसी फिसड्डी नहीं होगा। और मुझे कौन सी साइकिल चलानी से है? दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल लेके जाऊंगी और ठाट ते चलूंगी बनिया के बेटे की गैल। अच्छा थोड़े दिन रुक जा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल सलाम वालेकुम इलियास मियां। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया बैठ। हाँ बैठ। के बात से बड़े दिनों बाद नजर आया? इलियास मियां थारे गांव में पशुओं की लड़ाई हो रही थी, मैंने सोची तेरे ते भी मिलता चलूं। मारे खरक में कुछ बीमार पशु बंधे हैं, ले जाओ उन्हें भी लदवा दे अपनी गाड़ियों में। अरे खुंटे पे मरने से तो अच्छा है कि चार पीसे मिल जाएंगे। लदवा दे ट्रक पे आज ही शहर भिजवा दूंगा।
सब खा जाएंगे शहरी बाबू। तेरे उस जमीन के मुकदमे का क्या हुआ? गवाहियां हैं, हो जाएंगी तो जमीन अपनी हो जाएगी। तू सुना, ठाट है तेरे तो, नोट इकट्ठे करता रहेगा या शादी वादी भी करेगा? इलियास मियां, जब शादी की उम्र थी तो पैसे ना थे, अब पैसे की कमी ना है तो शादी लायक लौंडिया ना मिल रही। हेलो मियाँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया, खुदा हाफिज। अच्छा तो खुदा हाफिज। हाँ मैंने पता है, मेरी बेटी मेरे से भी अच्छी चोटी बनानी जाने, पर पता नहीं आज मेरा कैसी जी कर आया, आज मैं बना दूँ तेरी चोटी। एक बात कहूँ नूर, जब तक तू यहाँ है ना, कभी कभी मेरे से भी चोटी बनवा लिया कर, तेरे जाने के बाद में किसकी चोटी बनाऊंगी? पर अम्मी मैं जा कहाँ रही हूँ? अपने शोर चमन के घर। क्यों, निकाह होने के बाद भी यही रहने का इरादा है क्या? तेरे इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम दोनों के हमेशा के लिए उम्र कैद। आज तो इस चोटी में घनी सुंदर लग रही है, पहले तो नहीं बांधी तूने इतनी सुंदर चोटी। क्या बात है, क्या बात है, आज चुप चुप सी है और शर्मावे अलग। आज चोटी मैंने नहीं, अम्मी ने बनाई है। अम्मी ने कुछ और ना कही? तू तो ऐसे शर्मावे जैसे शादी की बात करी हो। बता नानू, अम्मी ने क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया।
काला दुपट्टा काला काला सूट गोरी हम तो लिए तैने लूट नई बीमारी है देख नजर को बस मैं कर ले जानू यूं के चारी है अरे देख के तुझको नियत बदली लगी नई बीमारी है तू साहसी ना होगा कोई जानी तुझ साहसी ना होगा कोई बात नहीं या मेरी झूठ काला दुपट्टा काला काला सूट गोरी हम तो लिए तैने लूट चढ़ती जवानी देख मेरी चढ़ती जवानी देख मेरी जाने कितने दिल गए तू काला दुपट्टा काला काला सूट गोरी हम तो लिए तैने खड़ी होगी ये बात है आज तो बड़े खुश नजर आ रहे जिस दिन तेरी लाइफ में कोई आ जाएगी ना तू भी बावड़ा हो जाएगा मतलब क्या है मतलब ये कि सहरा बंधने की तैयारी होने वाली है, है? वो इलियास मियां की लौंडिया नूर तमीज से बात करिए होने वाली भाभी को लौंडिया बोलता है जबान काट लूंगा सॉरी 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 उस्ताद इलियास मियां की लौंडिया है कितने लौंडिया बोलिया तू अपनी होनवार मालकिन ने सारे भैंसों की गैल बूचड़ खाने में कटवा दूंगा अब बोल के बकरा तू जान की सलामती हो तो एक बात बोलूं उस्ताद अभी अभी मैंने इलियास मियां की बेटी को चमन के साथ बाग में इस कुआड़ा गाना गाते हुए देखा कल्लू भाई पैसा में बहुत ताकत होवे गफूर चोरी तन्ने लूटा घरवार मेरा बढ़िए की चोरी तन्ने लूटा घरवार मेरा बढ़िए की चोरी तन्ने लूटा क्यों तेरे भाई के बारे में बोल दिया के मेरे बारे में कुछ बोलते ना तो मेरे भाई जमीन में जिंदा गाड़ देते हाँ हाँ पता है चल निकल अपने हाथ सिक्को लेके चलो ओए, अब के बाद कुछ कही ना सारे टांग तोड़ दूंगा अच्छा जुल्फ सुखावेगी मेरी बहन है यो पंचो हम संख्या में कम है कमजोर है इसलिए हमारी बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ हो गए इसी वजह से मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग गांव छोड़कर शहर में चले गए अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी वो गांव छोड़ दूंगा गांव में रहना हमारी जरूरत है मजबूरी ना है लाला मुंशीराम आप अपने आप को केला या कमजोर मत समझें
हम सब थारी गैल हैं। सैकड़ों साल से हिंदू और मुसलमान इस गांव में कट्ठे रहते आए हैं। इस गांव की रीत रिवाज के हिसाब से जब कोई मुसलमान गलती करे तो उसे हिंदू सजा सुना दे, जब कोई हिंदू गलती करे तो उसे मुसलमान सजा सुना दे। मैं प्रधान नेत्राम जी से गुजारिश करूं कि वे लाला मुंशीराम को न्याय दिलवाएं। लाला मुंशीराम, हम इन बच्चों की वजह से आज बहुत शर्मिंदा हैं, और आइंदा तुमने कोई ऐसी गलती करी तो थारा काला मुंह करके गांव में बाहर कर दिया जाएगा। चलो लाला मुंशीराम से माफी मांगो। लाला जी, हमें माफ कर दो। भाइयों, आपस में ये बात कभी मत भूलो कि गांव के बाड़े के अंदर किसी भी जाति का आदमी है, वे सब आपस में बहन भाई हैं। बोल गांव खेड़े की जय। ले बेटे चमन, 10 रुपए की मूंगफली, 5 रुपए की गजक, 15 रुपए हो गए। 5 का नोट वापस दे दो। 5 रुपए वापस दिया नहीं है मैंने 20 का नोट तुम्हें। 20 का नोट कब दिया मुझे 20 का नोट? लाला जी, सामान लेने से पहले मैंने 20 का नोट दिया है तुम्हें। क्यों मेरा बेवकूफ बना रहा तड़की तड़क? अरे कब दिया मुझे 20 का नोट? अरे दिया नहीं है मैंने 20 का नोट, पहले पैसे लिए बिना तुम किसी का सामान तोलो। बेटे सुबह सुबह दुकानदारी का टाइम है, ला दे दे पैसे। क्यों मेरा बेवकूफ बना रहा? तो लाओ मेरे 5 रुपए। 5 रुपए? 5 रुपए वापस भी मांग रहा? 15 रुपए का सामान दे दिया, पैसे नहीं आवे कहीं से फ्री फंड में? बका लाला जी, 10-20 के चक्कर में मेरे 100 के नोट को मत भूल जाइए। 100 का नोट? अब तेरा कैसा 100 का नोट? मैंने भी दिया 100 का नोट जब तुम सामान तोल रहे थे। दिखा नहीं के खाल में रहिए, बनिया का बेटा हूँ, पागल लड़का मान ना समझिए, मैंने बहुत देखे तेरे जैसे। देख ले भाई चमन, लाला जी मेरे 100 के नोट की वजह करना चाह रहे। चमन तो गांव का भांजा है, ये जो चाहेगा सो खाओगा। तुमने कभी देखा 100 का नोट? जा चला जा, नहीं तो लाठी चलेंगे कटाकट, सिर फूटेंगे फटाफट। लो भाई कर लो बात, ईमानदारी का तो जमान नहीं ना रहा। जा चला जा, नहीं क्या बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। चमन बेटे, अब तू बता तेरा क्या हिसाब है? कुछ नहीं लाला जी, यो 20 का नोट मेरी जेब में चुपका रह गया था। लाला का मतलब है लाला, जो लावेगा वो ही ले जावेगा, और नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है देने को। जाओ 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 जाओ। धूप में काली पड़ जाएगी, आ जा एसी में बैठ जा, जहाँ कहेगी छोड़ दो। कल्लू जबान संभाल के बात कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, तेरी जबान पर मेरा नाम तो आया, जो होगा देखा जाएगा। मैं कह रही अच्छा नहीं होगा, अपना रास्ता ना। रास्ते तो तेरे से मैं हट जाऊंगा, पर तू एक बार हाँ तक कर दे मेरी रानी, राज करवा दूंगा। क्या कह रहा है? कुछ नहीं। बता ना। कुछ ना कह रहा। चमन चमन, अरे शिवा सुन, तू जल्दी से जाके गांव वालों ने बुला के ला, जल्दी जा दौड़ के।
तू चमन बताता क्यों नहीं? नूर तो बदतमीजी कर रहा। आन दे अगली बार साले ने छोटू मानी। चल बेटी चलो रे। अच्छा आजा भाग गया अभी तो आज अल्लाह ठीक जल्दी कटा कर और फिर फूट दे फटाफट ले। चलो भाई चलो चलो रे सब चलो। अब्दुल्ला छोड़ मत गंदी है शायद। हाँ चल गाड़िया चल आज तुझे घर जाके संडे तो नापेंगे। अकेले बैठे क्या देख रहे हो? कुछ ना, चांद ने देख रहा। पता ना किसे ढूंढ रहा आसमान में। अपनी नूर को ढूंढ रहा होगा, छिप गई होगी आसमान में कहीं। मैं अपनी नूर ने अलग होने दूंगा तब ना। कल्लू ते क्यों झगड़ा? कहीं कुछ हो जाता तो? मेरी जान तो मेरी नूर में है, मने क्या हो सके। अब बातें ना बढ़ा, अम्मी नीचे खाना खाने को बुला रही। ऊपर ही बैठी रहेगी या खाना भी खाएगी? आई अम्मी। अम्मी बुला रही है। अरे यू क्या कर रहे यहाँ? अरे उड़ाइए अरे उड़ाओ यहाँ। जाडे आ रहे हैं प्रधान जी, आपने तो इसकी आदत बताई है, इसी तक पे सोवे है, तो हमने सोची यहीं झोपड़ी डाल दें। अरे इसके ऊपर एक गुदड़ी और घेर दियो, जाडे से बचा रहेगा। हाँ इसे मेरी जाति पे छोड़ दो, सारा दिन तो जंग करा है और रात को मेरी सोन देने का। नहीं नहीं भाई, इसे कहीं और ले जाओ। अरे लाला पागल है, पड़ा रहेगा वो, क्या कह रहा? अरे इस टाइम मेरी सिठानी डरे। अरे उसमें ना अकल। अकल अकल ना इसमें, यू तो बहुत तेज है। अब देख ले फिर। अरे बेअकल है यू, कुछ कह भी रहा। बेअकल है यू तो बहुत तेज है। अरे कुछ दिक्कत करेगा हम हटा देंगे। ठीक है प्रधान जी, देख लो। और जो इन्हें का कुछ गड़बड़ करी तो लाठी चलेंगे कटाकट और सिर फूटेंगे फटाफट। अरे लाला तेरे लठ भी देख लेंगे, तड़का गांव में साइकिल की रेस है, उसके बारे में बात कर लो। हाँ चलो कर लो। ठीक है चलो। हाँ आओ भाई सब आओ। आओ भाई चमन तू भी आ रहे इधर, चलो बैठो। आओ बैठ के बात करो। अब क्या गांव पंचायत ने फैसला करा और जो साइकिल रेस का इनाम है ना वो 51,000 रुपए कर दिया। इसमें आप लोगों की क्या राय है? ठीक है जी ठीक है, जो भी फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ, पैसे मिलेंगे किसी के काम आवेंगे। प्रधान जी एक बात तो बताओ, जो कल यो साइकिल रेस चोरी है इसमें हमारे गांव में से कौन भाग ले रहा? अरे लाला जी अब क्या गांव वालों का फैसला है कि साइकिल की रेस में जो है ना चमन जो है ना भाग लेगा। देखे काम की इज्जत का सवाल है, नाक का है नाक का। इस रेस को जीत के दिखा दिए कल को। इतना मत करो नंबरदार जी, जीत के दिखाऊंगा। नूर आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने गांव की तरफ से साइकिल रेस में इस बार मैं भाग ले रहा हूँ। और तने पता है इस बार का इनाम 51,000 रुपये है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरी एक बात मानेगा? बोल। इनाम की रकम से फूफी को हज करवाइयो, बड़ा पुण्य मिलेगा। फूफी या तेरी होने वाली सास। वैसे बात तो तने बड़ी अच्छी कही है नूर, जी करे तने चूम लूं। तो तने रोका किसने? पर मैंने जो सोचा है उससे और भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। वो की मैं उस इनाम की रकम तय पागल मुनीम का इलाज करवाऊंगा। के देख रही है? जरा नीचे झुको। कपूर जी कल दिलावर तक पेमेंट ले आना। अच्छा उस्ताद। कल्लन जी उस्ताद, साइकिल रेस हो रही है,
हार मत जाइए, पूरे 51,000 का इनाम है। ना उस्ताद, पूरा जोर लगा दूंगा पर थारे दुश्मन ने जीतने लड़ा दूंगा। के मतलब? मतलब ये उस्ताद, इस बार हैदर ना चमन ले रहा भाग। कल्लन जी उस्ताद, फिर तू रहन दे। के बात होगी उस्ताद? इब के साइकिल मैं दौड़ाऊंगा। ये क्या कह रहे हो उस्ताद, हैं? साइकिल की तो तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, कैसे दौड़ाओगे? खामखा हार जाओगे, इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे उस चमन ने नीचा दिखाना है, इनाम की रकम भी कल्लन ने दे दूंगा। ये बात तो ठीक है, पर जीतोगे कैसे? जीतना कैसे है वो मैं तुमने समझा दूंगा। हे प्रभु, मेरे चमन को आज साइकिल रेस में जितवा दे। आज तो अपना चमन ही जीतेगा। ना ना ना, जिप जीत के आऊंगा, जिप पहरूंगा। तू चिंता मत कर, मैं ही जीतूंगा और इनाम की रकम तक तेरा इलाज कराऊंगा शहर ले जाके, तू ठीक हो जाएगा। आप गांव के नंबरदार ब्राह्मण जी स्वर्गीय चौधरी नेपाल सिंह प्रधान की फोटो पर माल्यार्पण करेंगे। भाइयों, आज स्वर्गीय चौधरी नेपाल सिंह प्रधान जी की याद में साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। जीतने वाले को नगद 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप शांति से रेस का आनंद लें।
करूंगा कि इस प्रतियोगिता के विजेता संजू जी को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करें। आइए बात नहीं चमन, अगले साल तू ही जीतेगा। मुनी मने माफ कर दे, मैं तेरा इलाज नहीं करवा पाऊंगा, मैं हार गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे बधाई हो बधाई, अरे दे दो बधाई। आय हाय बधाई हो बधाई। अरे काहे की बधाई, अरे लल्ला हुआ है। आहा तब तो बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई नंद बाबा को बधाई। गोदी खेले रे नंदलाल देने आए हम बधाई। वो गोदी खेले रे नंदलाल देने आए हम बधाई। किसी को बेटा किसी को पोता, किसी को बेटा किसी को पोता, हाँ किसी को बेटा किसी को पोता, किसी को हयू भाई। Yeah.
इसकी जरा हमें मिलवा दे, अम्मा से इसकी जरा हमें मिलवा दे, सांदे के लड्डू बैरन हमें भी खवा दे, सांदे के लड्डू बैरन हमें भी खवा दे, बापू से अपने और मेहनत करावे, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ, दो चार भाई अपने और बुलावे, दो चार भाई अपने और बुलावे, तेरी तो मशीन बुढ़िया, तेरी तो मशीन बुढ़िया तो होगी जंग खाई, मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाचे थे मामा उस नचनिये के साथ? लठ गाड़ दिया आपने, वो नचनिया पूछ रही थी आपके लिए। अरे आहिस्ता बोल, तेरी मम्मी ने सुन लिया तो मेरी तो जान को खा जाएगी। और क्या कह रही थी मेरे बारे में? कल बताऊंगा मामा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। अरे नहीं, मैं शहर से चॉकलेट लाऊं तेरे लिए। चॉकलेट का काम ना चलेगा मामा। ओ ले 20 का नोट ले। तो बता, कह रही थी लाला जी पे दिल आ गया, क्या रंगीन आदमी है। हाय मैं मर गया। हाय, और क्या कह रही थी? और कुछ याद नहीं आ रहा मामा। ले अब कुछ याद आया? हाँ, और कह रही थी जवानी में मिल जाते तो शादी कर लेती। हाय अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं खासा जवान हूँ, अभी तो गांव की औरतें मुझे कनखियों से तक। ये बात है मामा। हाँ मैं ठीक ही तो कह। ये बात हो रही है मामा भांजे में? मैं तो चमन को दुनियादारी समझा रहा था। मैं कह रहा था पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो, हम बुजुर्ग नहीं समझावेंगे तो और कौन समझावेगा? अच्छा बुजुर्ग, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं खासा जवान हूँ, गांव की औरतें मुझे कनखियों से जाके हैं। कल क्या हो रहा था नचनियों के साथ में? नचनियों की कमर में हाथ डाल के नाचे कही होते तू? एक दिन के लिए पीहर के चले गए, तुमने तो रंगरलिया मनानी शुरू कर दी। मैंने कुछ नहीं करा। चुप रहो, चमन ने मुझे सारी बात बता रखी। 100 रुपए यू मेरे से लेके गया था। चलो अंदर ले आओ, अभी बताऊंगी। अजी खीर बनाई है, खीर खा लो। मेरी कितनी बढ़िया सिठानी है, मेरी खीर बनाई है। बुढ़ापे में शर्म ना आई, औरतों को देख के ज्यादा नाचो। चमन मुझे सारी बात बता रहा था। मैंने करा कुछ भी? अच्छा कुछ भी ना करा। कितनी बढ़िया खीर बनाई है। किधर में भाग रहे हो? किधर भाग रहा है? ये सोच रहे हो बच्चों के मेरे से बच्चों के छोड़ूंगी नहीं। कल सेठाने से छितवा दिया लाला को भाई से। मन देख ले भैया, देखो वो खड़ा है। लाला जी राम राम। चले जाओ दुश्मना, आज कोई गुंजाइश ना है, भरा बैठा हूँ, मर जाएगा कोई सा मेरे हाथों से। कल की सारी बात सिंचानी को बता दी और मैं जनू कह रही थी वो याद कर रही थी। चले जाओ नहीं तो मर जाएगा कोई सा मेरे हाथों से, खून की घाट कर दूंगा। मोटे लाला पिल पिले आज मैं छोड़ूंगा, आज मानी मर जाएगा मेरे हाथों से, आज ना चीज लगी सका कल, आज सिर फूटेगा फटाफट, आज वो हो जाएगा जो इस काम में कभी नहीं हुआ। आदमी छोड़ूंगा, आज मानस मर जाएगा मेरे हाथों से, आज ना चीज लगी कटाकट सिर फूटेगा फटाफट, आज इस काम में वो हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ।
निकल निकल जा यहाँ। अरे इलियास और यू क्या? और सुन, अपनी माँ ने भी अपने साथ ले जा, और जब तक यह गुवाही के कागजों पे साइन नहीं कर देती, पैर मत रखना तुम दोनों यहाँ पे। पर मामा, खबरदार जो मेरे तक मामा कहते हैं। अरे इलियास के रो रहा आयु, हाल अलियब तू बता क्या बात है? नेत्रम भाई, शायद अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो गया था, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई। अब जानबूझकर कोई गलती करे तो पता नहीं अल्लाह क्या कहर बर पाएगा। आप सब तो जानते हो, इलियास का जमीन के लिए भाई पर मुकदमा चल रहा है। ये चाहता है कि मैं मुकदमे में इसके हक में गवाही दूं, ताकि सारी जमीन का मालिक यो बन जाए। अब आप ही बताइए, हमारे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं, भला हम ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? प्रधान जी, यो हमारा आपसी मामला साहब, आप जाओ यहाँ से, लाला जी आप भी जाओ। मैं कह रहा हूँ जाओ सब लोग। हाँ? जा। चल बहन चल, तू चमन को लेके हमारे घर चल, मैं चमन को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। एक बात सुन लो कान खोल के सारे, इस चमन ने जो भी अपने घर में रखेगा दुश्मन हो जावेगा, वो मेरा दुश्मन। ना भैया ना, जिसने इसे 10 बरस तक अपने पास रखा वही आज इसकी जान का दुश्मन हो गया है। मेरा बेटा कोई अनाथ या यतीम नहीं है, इसकी भी जमीने है, जायदाद है, अपना काम संभालेगा। चल बेटा। चमन बेटा, चमन बेटा, मामा देख तेरे लिए चॉकलेट आया हूँ, एक बार मोटे लाला बिल पिले कह के बोल। बोल बेटा बोल। Ah
चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब। हाँ चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो भाई। कहाँ है मेरा चमन? वकील साहब आप बताइए कैसा है मेरा चमन, क्या हुआ उसे? इलियास के गुंडों ने मारा है, बहुत चोट आई है। इलियास के गुंडों ने? बहुत खून बहा है उसका। डॉक्टर साहब मैं चमन की माँ, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखिए उसके सिर पर गहरी चोट आई है, हाथ पैरों में भी अंदरूनी चोटें हैं, हमने उसका ऑपरेशन कर दिया है। क्या मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ? अभी नहीं, होश में आने के बाद। देखो कितना दम है उनमें। चमन मेरे जिगर का टुकड़ा से, समझा? कोई चौराहे पे खड़ा हुआ भिखारी ना से, जो उसे कोई भी आए और धक्का मार दे। अल्लाह से दुआ मांग मेरा चमन ठीक हो जावे। अगर मेरे चमन ने कुछ हो गया ना तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगी, समझा? और सुन नूर, मैंने चमन की अमानत से तेरे पास, उसका ख्याल रखना, मैं बारात लेके आऊंगी, समझा? चलो। अब्बू चला, तेरी वजह था यो सब कुछ देखना पड़ा मने, सारे गांव में मेरी इज्जत मिटा दी तने। नहीं अब्बू, इज्जत मिट्टी में मिली थारे लालच के कारण, गांव में और भी तो लड़के हैं, मैं उनकी गैल तो ना भागी। 5 साल की उम्र तक यही सुनती आ रही हूँ कि नूर का निकाह चमन से होगा। अब्बू अब क्या हो गया, क्यों तुम चमन की जान के दुश्मन बन गए हो? जबान लड़ावे मेरे ते, तुझे भी मने कल्लू कसाई का यहाँ निकटवाया तो चौधरी लियास कुरेशी नाम नहीं मेरा। नहीं ए, तन्ने वो सामान पहुंचा दिया? जी उस्ताद। ठीक थे जबा? जी। इलियास चौधरी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आए घर पे हमारे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने झोपड़े को देखते हैं। बैठो। आज कैसे रास्ता भूल गया? कह के बात है? मैं तेरे ते अकेले में कुछ बात करना चाहूं। गफूर। कह इलियास मियां, कुछ परेशान नजर आ रहा है। मेरी बेटी नूर से शादी करेगा? के कही आपने? मेरी बेटी नूर से शादी करेगा, बोल। बस यही एक कमी थी इलियास मियां, वो आज आपने पूरी कर ली। तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन और मेरा भांजा चमन रुकावट पैदा करेंगे शादी वाले दिन। जो भी बीच में आवेगा मरेगा।
ठीक, तुम बस यो बताओ, मैं बारात लेके कद आऊं। अगले जुम्मे ने आ जा। शादी की तैयारियां करो तुम लोग, अगले जुम्मे ने आ रहा है कल्लू बरात लेके। अब्बू, नूर की शादी करनी है तो चमन से कर दो, कल्लू तो 40 साल का आदमी है। नाम मत ले उस शैतान का, उसी शैतान की वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है। अरे सुन, तने जरा भी कुछ ड्रामा करया ना तो सड़े जमीन में गाड़ दूंगा तने। अब्बू, नूर का निकाह चमन से कर दो। के घूर रही है? कर दिया फूल से बच्ची का सौदा उस कसाई की गे। औरत है, औरत की तरह रहे। के हुए औरत? मक्का के हुए औरत? तब मर्दों की पाँव की जूती या ढोर, जिसे इस कुटे से खोलो उस कुटे से बांधो। बकवास करेगी एक तुम्हारे रैप्टा। अरे मार मार ना, तब मर्दों को इसके अलावा आता भी के है? जिन हाथों ने अपने फूल से बच्ची को मनाजो से पाला हो, वो कैसे कर दे कल्लू कसाई के हवाले? गले जाना फट जाएगा मेरा। अम्मी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, अब्बा ने तो फैसला कर दिया, बस कर दिया। चल खाना खा। अब्दुल्ला आ जा। मर गई मेरी भूख, तू ही खा ले खाना। अब्दुल्ला कैसा है? ठीक हूँ चमन, नूर को बचा ले मेरे भाई, अब्बू ने उसकी शादी कल्लू कसाई के साथ तय कर दी है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, कल बारात लेके आ रहा है, अगर ऐसा हुआ ना तो नूर मर जाएगी भाई। चमन भाई, वो बड़ा खराब आदमी से, दुनिया भर के गुंडे उसके घर में बैठे रहे हैं। चमन भैया, आप कहो तो गांव से 10-20 लठैत बुला ले आता हूँ, घर में घुस के मारेंगे सभी को। ना, यो मेरी अपनी लड़ाई है यार, मैं खुद ही लड़ूंगा। लेकिन चमन भैया, इस हालत में आप? अब्दुल्ला, तू नूर तक कहियो, चमन जरूर आवेगा। नूर को चमन तक कोई जुदा ना कर सके, कोई जुदा ना कर सके। Hey!
ठीक है अब्बू। तेरे शहर की लड़ियां, तेरे शहर की लड़ियां, वो घड़ियां आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। के चले बाराती संग झूमे सारे साथी। हम बढ़ के चले बाराती संग झूमे सारे साथी। हम बढ़ के चले बाराती संग झूमे सारे साथी। मस्ती में मौज उड़ावे साली को खूब चढ़ावे। जागा मगरूर नजे मजूर शाम वो आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। घूंघट तू उठावेगा हाय वो शर्मावेगी। घूंघट तू उठावेगा हाय वो शर्मावेगी। घूंघट तू उठावेगा हाय वो शर्मावेगी। रजब पास तू जावेगा कितनी वो घबरावेगी। कितनी वो घबरावेगी। तेरी बात चले ना एक लिया तू देख सजनिया आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। मारा यार बने दूल्हा दुल्हन घर आने वाली है। सलाम कल्लू भाई। वालेकुम सलाम हैदर। कहो कैसे आना हुआ? अब्बा ने कहा है कल तुम बारात लेके मत आना। दूर का निकाह चमन के साथ हो रहा है। तेरा बाप कितना हरामी और लालची आदमी है ये मैं अच्छी तरह जानू। उससे कहना वो गलती के फंस गया है। कल्लू कल बारात लेके आएगा और नूर पे निकाह करेगा। जो बीच में आवेगा वो मरेगा। चल भाग यहाँ से।
मेरे बराती तैयार बैठे हैं, सारा खबर लेके आया है। कल मजा आएगा, दुल्हन एक और दूल्हा दो।
जी लाला जी बारात आ गई, चलो सब चलो चलो। इलियास, इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक छोरी की दो दो बारात आए, आखिर माजरा क्या है? रात ने वापस ले जा कल्लू, मैंने तेरे घर में खबर भिजवा दी थी। इलियास, तू खुद मेरे घर ये रिश्ता लेके आया था। नूर पे मेरा हक है, उसका निकाह मुझसे होगा। मैं तेरे घर रिश्ता लेके गया था ना, चल तोड़ दिया रिश्ता। तुझे अच्छी तरह पता है मैं बिका हुआ पशु भी वापस नहीं करता, ये तो औरत का मामला है। तो तूने नूर को अपने पूछड़ खाने की बकरी समझ रखा है? वापस चला जा कल्लू, कसम खुदा की अगर तन्ने दोबारा नूर की तरफ आंख भी उठाई तेरी लाश गिरेगी आज यहाँ पे। जवान संभाल के बात कर लड़के, तेरे जैसे मैंने बहुत चराए हैं। इलियास से तो मैं बाद में निपटूंगा, ए भगाओ इसे। मर्दों के सीने छलनी नहीं हुआ करते इलियास, बिक चुका है ये, सौदा किया है इसने रमजानी के साथ। कल तक जो आदमी चमन के खून का प्यासा था, आज ऐसा क्या हो गया जो ये नूर की शादी चमन से करना चाहे? इसका ना चमन कुछ लगे से ना मैं, इसने दौलत चाहिए, उसके लिए इसने हम दोनों को मारा बनाया से। इलियास, ये क्या सुन रहे हम? तूने जमीन के लिए अपनी नूर का सौदा किया है? तुझे जमीन चाहिए? जमीन चाहिए ना? तो जा,
लाला मुंशी राम ने अपनी सारी जमीन जायदाद दुकान मकान सब कुछ तेरे नाम किया। हो जाने दे नूर और चमन का मिलन, वरना तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, दुनिया थूकेगी तेरे ऊपर। इलियास भाईजान, जो जमीन इस फसाद की जड़ है, आज से उसके मालिक तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अरे थूक दे इलियास इस झूठे लाला चोर अहंकार को, शर्म कर। आज लाला जो है ना, देख सबसे बड़ा दिल वाला हो गया, और तेरा छोटा भाई तुझसे भी बड़ा हो गया है। कल्लू के ठीक कह रहे, क्या सौदा किया है तन्ने मामा के साथ, बता अम्मी। हाँ बेटा, कल्लू ठीक कह रहा, दिन में डर गई थी, टूट गई थी मैं। प्रधान जी, कोई जरूरत नहीं है किसी ने समझाने की, कोई प्यार ना मैंने नूर तय, इसकी बेटी है, जहां मन चाहे सौदा करे। मुझे लालच की बुनियाद और लाशों के ढेर पे सेज नहीं सजानी। चलो अम्मी, चलो सब लोग। इलियास, चमन जैसे उम्र के बच्चे प्यार मानते हो, लेकिन वो आज भी गांव समाज की मान मर्यादा देखते हुए आज वो खाली हाथ वापस जा रहा। आज वो हम सब में बड़ा हो गया, और तू दुनिया का सबसे छोटा आदमी हो गया। इलियास, रोक ले उन्हें, रोक ले मेरे भाई, रोक ले, आने दो, फिर मैं कभी वापस नहीं आवेंगे। अरे रोक ले। किसने तेरे को लाला जी, किसने तेरे को। रुक जा रमजानी, अपनी नूर ने साथ नहीं लेके जाएगी, ले जा इसलिए भी अपने साथ, टच बनिया तेरे बगैर नहीं जी पावेगी, मर जाएगी तेरे बिना। मैंने माफ कर दे रमजानी बहन, माफ कर दे जा बेटा। लंबरदार जी, सहरा लेके आओ।